इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने पहुंची बहनों ने हंगामा कर दिया। कैदी भाइयों को राखी नहीं बांध पाने से नाराज बहनों ने जेल रोड का रास्ता बंद कर दिया, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा। अधिकारियों ने बहनों को मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। हालांकि जेल अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस बार जेल में राखी नहीं बांधने की सूचना एक दिन पहले ही दे गई थी। आखिर में बहनों को जेल प्रशासन द्वारा बनाई गई नई व्यवस्था के तहत काउंटर पर ही राखी देनी पड़ी। इंदौर, रतलाम और भोपाल में बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधने से रोकने के बाद हुए हंगामे की सूचना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दोपहर बाद एक्शन लिया। मिश्रा ने डीजीपी और गृह सचिव को अगले 2 दिन इंदौर और रतलाम की जेलों में महिलाओं को अपने भाइयों को राखी बांधने की छूट देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 11 और 12 अगस्त को पूरे दिन बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। इससे पहले जेल में बंद अपने भाइयों को हर साल की तरह इस बार भी राखी बांधने बहनें पहुंची थीं। दरअसल सेंट्रल जेल में एक कैदी कोविड-19 पॉजिटिव आया था, उसका जेल में ही उपचार चल रहा है। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि इसके चलते हमने एक दिन पहले ही जेल में राखी पर्व नहीं मनाने के निर्देश जारी कर दिए थे। जेल प्रशासन के निर्देश के बावजूद हमेशा की तरह यहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। यहां जेल प्रशासन ने काउंटर पर राखी के साथ पर्ची लिखकर रखने को कहा, पर बहनें नहीं मानी। वे अपने भाइयों की कलाई में ही राखी बांधना चाहती थीं। महिलाओं ने जेल परिसर से निकलकर भंडारी ब्रिज तक जाम लगा दिया, जहां सूचना के बाद परदेसीपुरा और एमजी रोड थाना पुलिस यहां पहुंची। यहां काफी देर तक महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि महिलाओं के नहीं मानने पर पुलिस को दोनों तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। कचरा कलेक्शन के लिए जा रही कचरा गाड़ी को भी रोक दिया। ड्राइवर को रिवर्स करके दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। थोड़ी ही देर में पुलिस ने मोर्चा संभाला। जेल प्रशासन के आदेश पर बहनों ने पर्ची पर भाई और बहन का नाम लिखकर राखी काउंटर पर ही जमा करा दी। भोपाल जेल में कैदियों की बहनों से कैंटीन में 20 रुपए की एक राखी, 50 रुपए का 250 ग्राम लड्डू की फीस जमा कर जेल में बंद उनके भाइयों तक पहुँचाई गयी। बाहर का कोई सामान नहीं लिया गया। भोपाल जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे ने बताया कि करीब 800 बहनों ने अपने भाइयों को जेल की कैंटीन से राखी और लड्डू भिजवाए हैं, जिसे उनके भाइयों को सौंप दिया गया है। जेल में मुलाकात बंद होने की जानकारी लगने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ACS जेल और DG जेल को गुरुवार शुक्रवार को मुलाकात चालू रखने के निर्देश दिए, जिससे कि बहनें जेल में बंद अपने कैदी भाइयों को राखी बांध सकें। दरअसल पिछले साल रक्षाबंधन पर भोपाल केंद्रीय जेल में परिजनों से मुलाकात करने आए 2 बच्चों के चेहरों पर जेल प्रहरी ने पहचान के लिए मुहर लगा दी थी। विवाद बढ़ने पर जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया था। इस साल विवाद की वजह नहीं बने, इसलिए जेल प्रबंधक रक्षाबंधन के दिन मुलाकात बंद रखने का फैसला लिया। 11 और 12 तारीख सभी बहनें जेल में अपने भाइयों को इस पवित्र त्योहार पर राखी बांध सकेंगी, ऐसे निर्देश जारी किए।